यार ये बच्चा पहला वाला ये स्पाइन है पहले क्या ये हेड है एक ही कह रही है लीकिंग भी हुई है तो पहले क्यों नहीं है ये स्पाइन है ना फॉर्स नीचे क्या फील हो रहा है बटक्स खाली है वैसे तो लेकिन ये देखो ना हेड नहीं है पहले क्या है वो प्राइमरी है नहीं यार बच्चे का इतना बड़ा सर नहीं होता सर नजर आ जाता होता है ब्लड ग्रुप वगैरह बाकी सारा कुछ चीज़ है देखा जिनका वीपी हाई था हाँ वो मैडम नसीम का फोन आया है कि वो एक्सरे डिपार्टमेंट का है लड़का मैडम कहती है कि मैडम जी वो कहते हैं कि वो रो रहा है मुझे फोन कर रहा है मुझे रेफर कर रहा है उसको दवाई लिख के उसको डॉक्टर तंजीला से पूछ के उसकी दवाई लिख के ऐड करके फिर भेजा है मैंने इमरजेंसी में भेजा है बीपी कंट्रोल के लिए पोस्ट ना बात सुने डॉक्टर इसको इंट्रा में से 3 लीटर के लिए बल्कि 3 लीटर है ना नहीं चलो तो मेरी इतनी बुरी हालत है एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी सुबह से आते साथ वो मिनटे में ही है एंटी एलर्जी में खा के आई थी तो ना मेरे अंदर थोड़ी बहुत जान आई थी और मैं नाश्ता करके आई थी जब आई ना 4 लेबरिंग पेशेंट पहले से ही थे जिसमें से एक प्राइवेट थी चलो उसमें तो मैंने कुछ नहीं करना था जी
ठीक है कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा है तो ना मैं नाश्ता वाश्ता किया हुआ था, चार लेबरिंग में से एक प्राइवेट थी, तो वो प्राइवेट वाली डॉक्टर ने आके खुद ही करनी थी और बाकी तीन को हमने देखना था, ठीक। उफल्ला उसमें से दो बिल्कुल प्राइमरी थी, उन्होंने इतना तंग किया हुआ था, फिर से वही थोड़ी देर बाद आके तंग, थोड़ी देर बाद आके तंग, ये हो गया वो हो गया, उसको दर्द हो रही है, उसको दर्द हो रही है, उसको दर्द हो रही है। बल्कि एक तो प्राइवेट भी नहीं थी, प्राइमरी भी नहीं थी, एक के ना पहले दो बच्चे थे, बेटे थे, अब ये तीसरी दफ़ा कहती है ऐसी दर्द मुझे पहले नहीं आई। अच्छा तो ना है फिर ना उनमें से ना चलो एक ने इतना रोला डाला कि ना हमने नहीं रुकना, हमने जाना है, हमने ये, हमने वो, फ्लांटिंग, इससे इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। अच्छा मेन वाइज जब ये चार लेबरिंग थी ना उसमें से एक फुली हो गई, वो ना प्राइवेट वाली को जल्दी से हमने फ़ोन कर दिया, उनकी थी कि आपकी भी एट हो गई है तो आ जाए यहाँ पर, ये वगैरह, ठीक है। वो आ गई और उसको देखने लग गई और ना वो, हाँ इससे पहले बार ये हुआ था कि ना एक ट्विन प्रेगनेंसी आ गई थी पेन्स के साथ ना, लेबरिंग पेन्स के साथ, वो बिल्कुल फुली हुई हुई थी। मैंने उसकी पीवी की और हेड सामने, मैंने कहा ये क्या है यार, मुझे गलती हो रही है यहाँ, है ही ऐसे, ठीक है। अच्छा फिर है वो ट्विन थे और मैंने उसको देखा, मैंने अल्ट्रासाउंड दिखाया, मैंने कहा ये MCDA है, मोनोकोरियोनिक डायमायोटिक, ठीक है, दो नंबर, एक प्लेसेंटा ये वगैरह, और पहला ब्रीच है, दूसरा से फैलेगा तो वो तो लॉक हो जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। फिर उसका कोई रिसेंट स्कैन भी नहीं था, कोई लैब्स भी नहीं हुई थी, अजीब सी पेशेंट थी वो ना, तो उसका जल्दी से हमने फिर वो फ़ोन किए सीनियर्स को इस तरह करके। खैर उसका तो इमरजेंसी सेक्शन होना था, ठीक है, क्योंकि ये वाले बच्चे ना डिलीवर नहीं होते, नॉर्मल लॉक हो जाते हैं ये, ठीक है। तो ये हो रही थी उस दौरान ना, एक पेशेंट ने इतना वक्त रोला डाल दिया, उसके इन लॉज वालों ने कह दिया हमने नहीं कराना, हमने इमरजेंसी सेक्शन कराना, हालांकि वो पहला बेबी है और इसी तरह थोड़ा टाइम तो लगता है ना, लेकिन वो नॉन कंप्लाइंट थे, जिसने इस तरह रोला डाले रखा। अच्छा हमने कहा ठीक है कर देते हैं लामा, ठीक है, लेकिन अब उसको उसकी भी जल्दी थी, बस अब भी कर दें, कह दिया है जैसे मुँह से लफ्ज निकल गया उसी वक्त कर दें बस हम, ठीक है। हमने कहा ऐसे तो नहीं होता, राउंड हो रहा है, राउंड होगा, जिसने आपको देखा है वही डॉक्टर आके लिखेंगी ना लावा है, मैं थोड़ी लिख सकती हूँ। खैर वो बहस हुई और पहली दफ़ा मैंने किसी पेशेंट को इतनी बुरी तरीके से डांटा कि मैं कहा हद हो गई है, बाकी इमरजेंसी डील कर रहे हैं ये वो, आपको अपनी ही पड़ी हुई है, हालांकि आपको चेक कर चुके हैं या तो ना कि देखा ही नहीं, अनअटेंडेड पेशेंट जा रहा है और आप फिर कहो इस तरह। खैर तो ना उसका हस्बैंड अपनी बीवी को लेके ना निकल गया, मैं कहा आपने जाना है इसी तरह तो चले जाएं, हम और कुछ नहीं कर सकते, आपको इंतज़ार इतना तो इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है ना, उनसे डिलीवरी का इंतज़ार हो रहा ना कुछ और अब डिस्चार्ज होने पर भी इंतज़ार नहीं हो रहा, तो ये हिसाब किताब हुआ। खैर उसको लामा किया, फिर ना पीछे रह गई दो लेबरिंग, है नहीं एक लेबरिंग, वो प्राइवेट, एक तो ट्विंस हो गई, ठीक है, उन चार में से ना एक चली गई खुद से, एक प्राइवेट डिलीवर हो गई, ठीक है, पीछे दो रह गए और वो ट्विन वाली को हमने सेक्शन करा दिया ना, तो वो नहीं हुआ। और फिर उसके बाद भी ना, अब हमने जब वो इन सारों को देखा, ARM किया वगैरह वगैरह, ये दो पेशेंट एक साथ ही फुली हो गए, और फिर लाइक लिटरली अच्छा साइड बाई दोनों ही फुली हो गई और साइड बाय साइड वो डिलीवर मतलब फुली हो गई, ठीक है, उनको साथ बाय साइड लेबर रूम में शिफ्ट किया और उनको डिलीवर कराया। और यकीन करें सुबह से मैं 8 बजे से अगर आई नहीं हुआ तो मुझे पता ही नहीं चला कि 2 कप बज गए, मुझे बैठने का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। और मेरी ना इस दौरान मेरी शुगर वगैरह लो हो चुकी थी, शुगर है वो मेरे अब्बा मेरे बैग में ना जूस चिप्स और इस तरह की चीज़ें बिस्किट वगैरह रख देते हैं कि इनकेस कुछ हो तो खा लो, ठीक है, तो वो मैंने खा लिए, जूस पी लिया और मेरी शुगर सही हो गई। मैम कहती मैंने वॉशअप नहीं होना, तुमने ही करानी है डिलीवरी, वरना मैं तो गई थी कि मेरी तबीयत खराब है, मैंने कुछ नहीं करना, लेकिन 2 बज गए। फिर खैर उस बच्चे को डिलीवर भी मैंने यही कराई, AP भी मैंने कराई और सब कुछ ये वो ना, तो इस तरह की तो मॉर्निंग गुजरी और इवनिंग उससे भी अजीब, कोई PV ब्लीड के साथ आ रही है, कोई एक फिर पेशेंट आ गई, उसका मिस्ड अबॉर्शन था क्योंकि उसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर रही थी, और एक ये था कि 25 वीक्स की प्रेगनेंसी थी और उसका जो सर्विक्स है ना वो इतना सा रह गया था, लिटरली वो अभी से ही प्री टर्म में लेबर में चली गई थी और उसका बच्चा फिर एक्सपेल हुआ, वो एक्सपेल करने लगती थी पेन की वजह से ना। जी क्या मसला है? दो से ना बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, अभी तो उतरा हुआ फिलहाल। हमारा है 7वां। हाँ जी 3 महीने तकरीबन हो गए। आखिरी महावारी कब आई है? आखिरी पीरियड्स कब आए हैं? 5 जुलाई को।
पहले कितने बच्चे हैं? पहले एक बच्चा है, एक मिसकैरेज हो गया, ये तीसरा हमारा। और मैंने दो महीने एक मिनट एक बच्चा है एक मिसकैरेज हो गया तीसरा हमारा ठीक है। अच्छा ये बच्ची मेरी एक 8 माह की है, तो 4 माह की थी जब ऑपरेशन से हुआ नहीं तो छोटा ब्रेक हुआ। अच्छा क्या मसला क्या आ रहा है? मसला ये है कि पिछले दिनों पिछले हफ्ते गई थी डॉक्टर को चेक कराने, लेडी डॉक्टर जिससे मैं अपना यानी गायनी का करवा रही हूँ इलाज, तो वो सब मुझे मेंटन गोलियाँ लिख के दी और हाइड्रोलिन सीरम लिख के दिया खांसी के लिए कि खाओ 5 दिन। आज 5 दिन पूरे हो गए, 6ठा दिन भी लग गया, लेकिन मेरी खांसी मुझे आ रही है साथ उल्टी, साथ मेरा सांस उखड़ रहा है, सांस नहीं आ रहा मुझे। अस्थमा वगैरह का कोई मसला तो नहीं है? दवा का कोई मसला कुछ नहीं है? शुगर दवा कुछ नहीं है। 5 दिन की दवाई ले ली है जी। कितना टेम्परेचर है अभी? तो कोई बुखार नहीं है ना? अभी पैरों खाई है थोड़ी देर पहले। ठीक है, जब तक पैरों खा अभी क्या आ रहा है? सांस में मसला हो रहा है, बहुत मसला हो रहा है, और खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे, साथ बलगम आती है, कभी थूक आ रही है, कभी बलगम आ रही है, साथ उल्टी भी आ जाती है, और खाया पिया कुछ जा नहीं रहा, जो खाती हूँ खांसी के साथ उल्टी नहीं निकल आता। अच्छा खांसी के साथ उल्टी आती है? वैसे उल्टी भी नहीं, वैसे नहीं उल्टी आती, खाने पे आती है। हाँ जी, आगे पीछे का तो नहीं कोई उल्टी आ रही? गले में भी बहुत दर्द है मेरे, टॉन्सिल तो नहीं खराब आ गया? मुकम्मल कर रही है। अच्छा ये भी खा रही है अभी फिलहाल, छोड़ी हुई ऐसी खांसी की वजह से, ये मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स है बस। किसी और खानदान में टीवी वगैरह का मसला तो नहीं है? कुछ भी नहीं है, बस इसकी हल्की सी खांसी थी, पहले डिस्पेंसरों से दवाई लेते हैं हम, हल्की वजह से इसने परहेज नहीं किया और वो बढ़ गई है, मैं इसको कहती थी उसी वक्त परहेज कर, हमें कुछ भी नहीं है, कोई खांसी कोई दमा किसी को भी नहीं है घर, बस इसका गला खराब हुआ है, आपको पता है इस हालात में खाना ठंडा मीठा खट्टा खा दो, साथ ही हो गया तकरीबन, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ठंडा मीठा सब, जिस दिन से ये दवाई शुरू किया सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी नहीं आराम आ रहा, शोरे में रोटी टिप करके दे रहा है इसको, कभी चिकन खाने में खला कुछ निकलते हुए दर्द होती है? हाँ जी हो रही है, दर्द होती है? हाँ जी अब तो हो रही है, 2 दिन से हो रही है। आज तो पहले सही था? नहीं नहीं मेरी बात सुनो, जब कुछ खाती हो तो गले में दर्द होती है तब? नहीं इतनी खास नहीं है, लेकिन आज हो रही है दर्द बहुत ज़्यादा, आज सुबह जब मैंने नाश्ता किया है तो अभी दोपहर का खाना खाया जब भी, आज बहुत हो रही है, आज तो खांसी भी नहीं टिकने दे रही और उल्टियाँ आई जा रही है साथ साथ। अच्छा ठीक है, 2 मिनट आप बाहर बैठो, मैं ना पूछ के बताती हूँ सीनियर से क्या हमने खुद से कुछ दवाई, क्योंकि दवाई तो आपको मिल चुकी है, इसीलिए तो हम आए हैं, खुद से कोई दवाई देनी है या फिर कोई आपको मेडिसिन वालों के पास भेजना है? हाँ मैंने इनसे रब्ता किया था दोबारा फोन पे, वो कह रही थी कि वो कंसल्ट जो है ना उनको चेक करवाए आप जाके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मैं 5 मिनट में फ़ोन करती हूँ, ओपीडी बैठे हैं 5 मिनट। हाँ जी बताए कितनी देर का हमारा? 2 माह आखिरी महावारी कब आई हुई है? 28 मई की। और पहले कितने बच्चे हैं? 2। कोई हमल फौज आया ना ऑपरेशन से हो रहा है कि नॉर्मल? दोनों ऑपरेशन से जी। आ रही बच्चे की उम्र क्या है? 7 साल। ठीक है। अच्छा मसला क्या हो रहा है? दर्द और ब्लीडिंग हो रही है जी। कितनी ब्लीडिंग हो चुकी है? कितनी पैड रखा हुआ है? खून के लोथड़े तो नहीं आए उसमें? कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ कराया हुआ पहले? क्यों करवाया था बस रिपोर्ट कर। हमल ठीक था उसमें?
बच्चे की धड़कन आ गई थी, बच्चे की धड़कन नहीं आई थी। अच्छा दो तीन दिन पहले कर रहा है। चलो मैं साथ वाले कमरे में लेट हो जाके। बात सुनो कब से हो रही है ब्लीडिंग? आज सुबह से ना तकरीबन 12 बजे के बाद एक बच्चे हल्का सा पहले दाग लगा फिर जैसे पीरियड नहीं आते वैसे हो दर्द भी हो रही है उस तरह की ना। तो चलो जाओ लेट हो। गलती से जो मैं कुछ रिकॉर्ड करने बैठी थी आपके सामने ही है ओपीडी ज़्यादा शुरू हो गई है। मुझे याद भी नहीं है मैंने कहाँ पे छोड़ी थी, इतने पेशेंट आ गए अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा तो ना अब फिर से एक और पेशेंट आ गया मिस्टर बोशन के साथ, इससे पहले भी एक पेशेंट आई थी मिस्टर बोशन के साथ, फिर एक आई थी हाँ वो 25 वीक्स पे प्री टर्म डिलीवर हो गई क्योंकि वो बस वल्लाह आलम उसकी सर्विक्स की लेंथ इतनी सी रह गई थी, उस पर हमने मैकडोनल्ड स्टिच लगाना था लेकिन ना उसकी पेन रिलॉर हुई और वो लेबर में चली गई और इतने छोटू सा बच्चा निकला है, मतलब लिटरली इतना सा बच्चा ना है। फिर अब तो मैं घर आ गई हूँ और मैं वो हाँ उस बच्चे की बताई थी कि ना 25 का बच्चा था, वेरी वेरी प्री टर्म इस बच्चे को कहते हैं ठीक है। अब अल्लाह करे कि वो सरवाइव कर जाए क्योंकि इस तरह के बच्चे अक्सर ना क्राई करते ही नहीं है, लेकिन ये क्राई कर गया था और ना उसको फिर हमने जल्दी से जिन्ना रेफ़र किया क्योंकि वहाँ पर इनक्यूबेटर में बेबी ना रह सकता है 1 महीना या 2 महीना तो उसको रहना ही पड़ेगा अंटिल के वो 34 या 35 के करीब पहुँच जाए, 10 हफ़्ते मज़ीद उसको चाहिए ही चाहिए। तो खैर इस तरह की डिलीवरीज थी, उसके बाद भी ओपीडी, मतलब मैं तो थक गई, हर मिस्ड अबॉर्शन की ओपीडी हमारे पास आ रही है, हर अजीब वो गरीब किस्म के फिर एडमिशन आने लगे। मैं कहा नहीं बस बहुत हो गया, हमारा टाइम ऊपर हो गया था 8:30 तक मैं वहीं बैठी हुई थी मैं, उसके बाद तो मैंने कहा कि नहीं अब जो और जो नाइट वाली डॉक्टर्स थी वो दोनों लेट, किसको ओवर दे बंदा किसको बता के जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब हम बैठे हैं फिर जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें से मैंने कहा जो जिसने कल उनको दिखाया है उन्हीं को दिखाए और जिसने कोई नहीं है मतलब अब बस सब उन्हीं को दिखाया, हम मज़ीद नहीं देख सकते, जो पहले से आए हुए थे उनको डील किया टैकल किया उनको देखा, जिसको रखना था रखा जिसको भेजना था भेज दिया और बाकी उनके लिए छोड़ के आए। मेरी तो खलियाँ पड़ी हुई हैं टांगों में और सुबह मेरा अब ओटी वीक शुरू हो जाना, मैं तो पहले ही थकी हुई हूँ मज़ीद थक जाऊँगी मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बहुत बहुत हेक्टिक संडे था, थक गई हूँ मैं तो। और नाइट वालों ने तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाला कि जाओ अपने घर जाओ, तो बहुत हैवी फुटेड हो इससे पहले कि कुछ और आए जाओ। तो ये सीन है, अब मैं बस चेंज करती हूँ खाना वाना खाती हूँ और सो जाती हूँ, सुबह की तैयारी। अल्लाह हाफिज़।